गाइस वेलकम एवरीबॉडी अगेन विद अ न्यू वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। ये जो ढाबा है ये इसका नाम है गजीबो। ये गजीबो ढाबा जो है मुमरा और पनवेल के दरमियान तलोजा के अंदर लोकेटेड है। और ये जो मेरे दोस्त जो है आसिफ और अरफात भाई, इन लोगों ने ये इसको शुरुआत की है और आज मुझे ये इन्वाइट किया गया है मुझे और मेरी फैमिली को कि मैं जो है इस ढाबे को एक्सप्लोर करूं। तो मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ आज एक्सप्लोर करने के लिए यहां पे आया हूं। तो चलिए मैं आज आपको शुरुआत में यहां के इनके मेहमान बनने से पहले इनके ढाबे का पूरा जो है वॉक अराउंड में कराता हूं आपको। आइए मेरे साथ। ये जिस तरीके की सिटिंग है इसको गजीबो सिटिंग कहते हैं और ये एकदम प्राइवेसी, फैमिली के लोग जो है बड़े ही एकदम पर्दे के साथ यहाँ पर फैमिली के साथ आ करके बैठ सकते हैं और वो खाने का लुत्फ ले सकते हैं। इस तरह से मुख्तलिफ तरीके का यहाँ पे इंतजाम है। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर हो गए तो आपको राइट हैंड साइड में एक प्ले ग्राउंड दिखेगा। ये जो है एकदम ओपन स्पेस है और बच्चों के खेलने के लिए है और इसके साथ में बच्चों के लिए एक डेडिकेटेड प्लेग्राउंड भी है। चलिए आइए मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये बच्चों के लिए खेलने के लिए एक डेडिकेटेड प्लेग्राउंड है जिसके अंदर झूले वगैरह है, ये स्लॉपर है और ये बड़े बड़े भी है, बड़े भी बैठ के इसके अंदर खेल सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। आप देखोगे यहाँ पे किस तरह बच्चे लोग एकदम खुले एकदम कचारा तरीके से वो खेल रहे हैं और एकदम इंजॉय कर रहे हैं। ये जो काउंटर है यहाँ के ऊपर गुलाब जामुन, जलेबी और रस मलाई वगैरह जो है यहाँ पे तैयार की जाती है और यहीं से उसको सर्व किया जाता है। और अब मैं आपको एक इस ढाबे की एकदम इम्पोर्टेंट और मेन चीज दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये देखिए एसी हॉल है। ये यहाँ पर दो तरीके से डाइनिंग का इंतजाम है। पहला तो आप इस तरह टेबल पे बैठ करके आप खा सकते हैं, डाइनिंग कर सकते हैं और दूसरा जो है दस्तरखान है। ये देखिए एकदम बेहतरीन दस्तरखान में घर में बैठ करके जिस तरीके का दस्तरखान रहता है उस तरीके का इंतजाम है। आप अपनी फैमिली के साथ जो है आकर के आप आसानी के साथ बड़े ही खुशनुमा माहौल के अंदर आप खाना खाने का लुत्फ ले सकते हैं। ये देखिए आप पूरा। और ये जो डाइनिंग का जो इंतजाम है यहाँ पे आप पार्टी भी कर सकते हैं। अगर आप 25-50-100 लोगों की पार्टी करना चाहते हैं तो वो पार्टी भी आप कर सकते हैं। ये मेरे दोस्त थे अरफात भाई, जिन्होंने मुझे आज मैं इनका मेहमान बना हुआ हूँ और इन्होंने मुझे दावत दी है और मैं इनकी दावत के ऊपर यहाँ पे आया हुआ हूँ। ये अरफात भाई, अब जा रहा हूँ टेनिस दिखाने। आप देख रहे हो यहाँ का व्यू, ये अंदर जो है ये जो अंदर कुकिंग हो रही है और कितना क्लीन हाइजेनिक तौर पर बनाया जा रहा है, एकदम साफ सफाई के साथ, साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा गया है। अभी मैं आपको एकदम सरप्राइज एलिमेंट, दो एलिमेंट बताऊंगा। अभी जो है पहला मैं आपको टेरेस बताता हूँ। यह है यहाँ का टेरिस डाइनिंग। जी हाँ, यहाँ पर आप ओपन स्पेस के अंदर खुले आसमान के नीचे और यहाँ के जो जायकेदार जो टेस्टी फूड है उनका आप जो है लुत्फानंदोज हो सकते हैं, एकदम रिलैक्स बैठ कर। यहाँ से आप मंजर देखिए, पूरे ढाबे का लुक अराउंड देखिए कि कितना बेहतरीन, कितना खूबसूरत लग रहा है। लोग यहाँ पे आते हैं, फोटो निकालते हैं, सेल्फी वगैरह निकालते हैं और
खूब इंजॉय करते हैं, भूल जाते हैं बम्बई की भाग दौड़ भरी जिंदगी को, क्योंकि ये ऐसी जगह पे लोकेटेड है कि पनवेल और मुमरा के बिल्कुल दरमियान टोल नाके के करीब ही ये लोकेटेड है। और इस इलाके के अंदर, इस सराउंड के अंदर ऐसा इस तरह का कोई भी दूसरा ढाबा नहीं है, ये इकलौता ढाबा है। और आइए मैं आपको एक खाने की एक डिश दिखाता हूँ कि उसका लुक क्या है। आपने सोचा भी नहीं होगा कि वो इंडिया के अंदर, मैंने तो सऊदी अरब में देखा है लेकिन इंडिया के अंदर मैंने सिर्फ इसी ढाबे में देखा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हो, ये सीख है 3 मीटर की सीख। यहां से जो ये सीख स्टार्ट होती है तो यहां पर जा करके खत्म होती है। और ये सीख जो है, इस तरह की सीख हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ यहीं पर मैंने देखा है। और इसको सेकने वाला जो काम है वो यहां पर होता है। और आप देखोगे कि कितनी साफ सफाई के साथ, इतने अच्छे, कहीं पे भी आपको गंदगी बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी। और यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे तैयार किया जाता है। और मैं आपको जिन्होंने ये बनाया है, अरे मैं उनसे मिलाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई ये 3 मीटर की सीख देख के, ये 3 मीटर की सीख है असली, आपसे तुर्की में मिलता है। अच्छा, ये तुर्की आइटम है। अच्छा, इंडिया में हम फर्स्ट टाइम इसको इजाद किया। अच्छा, मतलब हिंदुस्तान में यहाँ पे गजीबों के अलावा और कहीं पे भी नहीं बनते? गजीबों के अलावा कहीं नहीं बनते। ओ माशाल्लाह। तो दोस्तों जब ये देखिए कि जब इसको है ना, यहाँ से जब वहाँ पे सेखा जाएगा, एक बार शीशा में बनाया था बांद्रा में। अच्छा, शीशा तो मैं आपको मैं जरूर दिखाऊंगा। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज एलिमेंट था। आसिफ भाई, 3 मीटर का ये जो सीख है, तो इसका आपको हिंदुस्तान के अंदर शुरू करने का ध्यान कैसे आया? लास्ट टाइम टर्की गया था, टर्की वहाँ पे लोगों ने ये ऑर्डर दिया था। अच्छा, और ये ऑर्डर देख के मैं देखा, ठीक है इंशाल्लाह, मैं जिस दिन ये होटल स्टार्ट करूँगा इंशाल्लाह टर्की खाना तो ज़रूर होगा। और मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत दिनों से दिमाग में था। हमें चाहता था कि न्यू बॉम्बे पनवेल महानगर पालिका, न्यू बॉम्बे थाना, इन लोगों को ये चीज़ें खिलाओ इंशाल्लाह। बहुत सारे ढाबों पर खाना चलता है, नॉर्मली खाना चलता है, लेकिन मैं सोचा था ये कॉन्सेप्ट मेरे ढाबे पे मैं थोड़ा टर्किश अरबी इंशाल्लाह अगले हफ्ते में पूरा बकरा। अच्छा, ये हमारे आसिफ भाई और उनकी
फैमिली। आप लोगों को ये यहाँ का खाना कैसा लगा? अरे बहुत जबरदस्त, ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट, ब्यूटीफुल एरिया, इट्स डिलीशियस, फूड इज डिलीशियस, सो यमी, यहाँ एकदम मस्त मस्त है। व्हाट्सएप नतीजा आपको खाने कैसा लगा बेटा? खाना कैसा लगा? कैसा लगा बोलो, कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत भूख। और ये जो आसिफ भाई ने जो ये होटल खोले है, ये जो है बेसिकली मैं पिछले टाइम दुबई में था, आसिफ भाई और अरफात भाई इन्होंने जो ओपन किए हुए है, तो ये मैं पिछले टाइम दुबई में था तो वहाँ पर यही सेम कॉन्सेप्ट था। मतलब आसिफ भाई ने शायद गए होंगे वहाँ पर, विजिट किए होंगे शायद, कॉपी किया। हाँ, तो हो सकता है उन्होंने एक वो एटमोसफियर यहाँ पर लाए हैं हम। और खाना तो एकदम डिलीशियस है, बेहतरीन, और आना है खाना अभी तक, सिर्फ अभी ये दो ही डिशेज हुए हैं और कुछ डिशेज आने वाले, तो मेरे ख्याल से वो भी एक्सपेक्टिंग के बहुत अच्छे रहेंगे। और वहाँ होटल का जो ये है इन्वायरमेंट, इट इज़ वेरी ऑसम। आई मीन आई हैव नॉट सीन दिस प्लेस एनीवेयर एल्स बिसाइड्स नवी मुंबई इन मुंबई। सो बेस्ट ऑफ लक टू मिस्टर आसिफ एंड मिस्टर अरफात, आई होप गॉड ब्लेस देम एंड गिव देम अ वेरी गुड चांस टू गिव अस सर्विसेज एंड प्रोवाइड अस द सर्विसेज इन द कमिंग डेज। थैंक यू। आपके मेहमान हैं, तो आज आप हमको क्या रिकमेंड कर रहे हो? सर हम अपनी तरफ से देते हैं आपको, आप वैसे भी तो हमारे 27 का पेज है, मेनू है, आपने देखा ही होगा जी। तो हम अपने तरफ देते हैं, जो कि हमारे शेफ स्पेशल है कादर शेफ, हम उनके तरफ से आपको 1 मीटर का पूरा डिश देते हैं। अच्छा। जो कि बड़ा प्लेटर है, आप उसमें बहुत इंजॉय करेंगे। अच्छा, आप एक बार इसको ट्राई कीजिए। तो ये जो प्लेटर जो है ये सिर्फ यहाँ का स्पेशल है? मतलब ये सर जी, ये वैसे हमारे पास 1 मीटर का, 2 मीटर का भी प्लेटर है, बड़े बड़े प्लेटर है। अच्छा। आप आज 1 मीटर का डिश ट्राई कीजिए, आपको डेफिनेटली 1 नंबर का लगेगा। उसमें क्या क्या रहेगा? उसमें सर 4 प्रकार के डिश हैं। ओके जी, लैम है, चैप है, लैम है, चॉप है, और 2 चिकन के आइटम्स है। अच्छा जी, ठीक है, ओके सर। कबाब है। अच्छा, ये पहला है इस्तांबुल कबाब। ये मरमरा है? मरमरा कबाब। हाँ, ये तुर्की चाप है? तुर्कीश चाप। हाँ, ये भी चाप है? अच्छा, ये भी चाप। और ये फिलफिल है? फिलफिल। और ये आपका काली मिर्च कबाब है, ब्लैक पेपर चिकन है, लाहौरी कबाब है, और ये जो है मुल्तानी है, और ये जो है चाप जो पड़ी हुई है। तो इसको जो है इस प्लेटर कहते हो पूरी डिश को? ये पूरी डिश को प्लेटर कहते हैं। हाँ। तो एक प्लेटर हम इसको यहाँ पे यहाँ के हिसाब से मैंने रखा। अच्छा। यहाँ के बजट से रखा हमने। अच्छा। कि लोग खा सके इसको आराम से और इंजॉय कर सके। अच्छा, ये इस तरह की जो स्प्लेटर है, मतलब इसमें और भी साइज होती होगी ना? और भी बिग प्लेटर है, यहाँ से 3 मीटर की है, 3 मीटर की, 3.5 मीटर की बिग प्लेटर है, 4 मीटर की है। तो वो जो 3 मीटर 4 मीटर की जो स्प्लेटर है, वो कितने लोग खाना खाते हैं? वो 4 मीटर की जो, तो उसमें कम से कम 20 लोग खाते हैं। अच्छा अच्छा, 20 से 22 लोग। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये आपकी 2.5 मीटर की है? अच्छा। आसिफ भाई, आपका मैनेजमेंट जो है वो एकदम काबिले तारीफ है, कि जिस तरीके से इतनी बड़ी डिश के अंदर इतने ज्यादा आइटम होने के बाद आपने जिस तरीके से इसको मैनेज किया है, मैं यकीन हूँ, एकदम श्योर हूँ कि आपने बहुत इसके पीछे मेहनत की है, बहुत जबरदस्त आपका होमवर्क रहा होगा। अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है, दोस्तों की दुआ है। आप जैसे गेस्ट हमारे पास आते हैं,
खाना तो सब तरफ मिलता है जी, लेकिन जो वैरायटी सब अलग ही है जी जी। और हम कोशिश करेंगे कि हर कस्टमर हमारा ऐसे ही खुश होके जाए, इंशाल्लाह। आप भी दुआ करो जी, जरूर जरूर जरूर, मेहनत हम करेंगे, कामयाबी अल्लाह ताला दे देगा जी जी, बेशक बेशक। ये क्या है? अरबी कस्टर्ड। हाँ, अरबी कस्टर्ड। अरबी कस्टर्ड, अच्छा ठीक है दीदी। मोहम्मद अली वो देखो राइट साइड में दिख रहा नहीं है, वो खोलने का देखो दिख। दोस्तों मुझे इतनी तेज भूख लगी हुई थी क्योंकि मैं मेरी मेडिसिन भी खा के आया था, और क्योंकि यहाँ पे आने के बाद काफ़ी वक्त लग गया सबको गेट टुगेदर होते हुए, इस वजह से देरी हो गई। देरी होने के बाद जब ये डिश मेरे सामने आई और मैंने जब इसके जायके टेस्ट करना स्टार्ट किया, यकीन जानो कि मैं वीडियो बनाने भूल गया क्योंकि इसी में खो गया। इस कदर लजीज था, इस कदर जायकेदार था, इस कदर टेस्टी था, जिसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है, कोई लफ्ज नहीं है। लास्ट में ये जो अरबी कस्टर्ड आया है तो ये भी खाते खाते मतलब मुझे याद आया कि मैं खाने में इतना मशगूल हो गया हूँ कि मैं उसकी शूट नहीं कर पाया। तो ये जो है अरबी कस्टर्ड है और एकदम यूनिक अलग ही कुछ इसका टेस्ट है। जो भी यहाँ पे फूड था, जो भी यहाँ के जो डिशेज थे, उसका अलग ही कुछ जायका था, अलग ही उसका मजा है। आइए मैं आपको बताता हूं, एक अलग ही यूनिक, एक अलग ही थीम है मतलब। और उस जिस तरीके से इसके अंदर एक यूएसपी ये रखी गई है कि यहाँ की जो भी चीज है, चाहे यहाँ का थीम हो, यहाँ का एटमॉस्फेयर हो, यहाँ पर आपको सर्व करने का तरीका हो, वो एकदम बिल्कुल यूनिक है, एकदम अलग है। अरफात भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने के लिए। शुक्रिया भाई, आप आए, बहुत खुशी। और मुझे, मैं अपने वीडियो में यही कह रहा था कि मैं आके जैसे ही मतलब यहाँ का जब एटमॉस्फेयर देखा और जब सर्व किया आपके लोगों ने और जब मैंने खाना स्टार्ट किया, यकीन जानो सब चीज़ में भूल गया दूसरी, मतलब ये खाने में ही मेरा पूरा ध्यान उधर एकदम चला गया। और इस चीज़ की मतलब एक इसके अंदर एक यूनिकनेस है, और चाहे खाने का टेस्ट हो, चाहे मतलब सर्व करने का तरीका हो, या आपका जो स्टफ जो है प्रेजेंट करने का जो वे है, वो एकदम यूनिक है, एकदम यूनिक है। ऐसा तो कोई दूसरा नहीं जो, जितनी भी मैंने दूसरी चीज देखा है वहाँ पे, जैसे कि वो 3 मीटर की सीख देखा है, और दूसरा ना जाने क्या क्या बहुत सारे मतलब वो मैनो देख करके दिमाग ही काम नहीं कर रहा है कि भाई ये क्या है मतलब। ये तो ये सब आइडिया जो है, आप काफ़ी काफ़ी मेहनत लगी होगी, और काबिले मुबारकबाद है आपके लिए कि आपने जिस तरीके से किया है। एक्चुअली ये जो कंसेप्ट है खाने का, एक्चुअली दुबई और तुर्की वगैरह कंसेप्ट जो चलता है उसी पे हमारे माइंड में था, जाना ना होता था थोड़ा, तो वो सब बातें हमारे माइंड में थी। ये कंसेप्ट थोड़ा हटके इंडिया में सक्सेस रहेंगे और लाना चाहिए, अपने यहाँ के लोग पसंद करेंगे, तो हमने ये इसके ऊपर थोड़ा वर्किंग किया, मेहनत की काफ़ी। अभी सक्सेस की आपने बात बोले तो मैं आपके एक हौसला अफजाई की बात बोलूँ कि आज जो है तकरीबन 9 या 10 तारीख है और 4 तारीख को आपका ढाबा ओपनिंग हुआ है, और आपकी कामयाबी की गारंटी तो बाहर लगी हुई इतनी गाड़ियां दिखा रही है कि पूरे पार्किंग फुल है, और जिस तरीके से यहां पे पब्लिक गेट टुगेदर, अभी 12:30 बज रहे हैं, और जिस तरीके से यहां पे पब्लिक है, आपको तो अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब कर चुका है मतलब। ये बस अब ये है कि आप इस चीज़ को अभी मेंटेन करना, क्योंकि खाने की जो क्वालिटी थी, वो डिशेज जो स्प्लेटर के अंदर जितनी सारी डिशेज, मुझे तो नाम भी याद नहीं है क्या क्या है, लेकिन हर एक का एक यूनिक टेस्ट, हर एक का एक अलग जायका, हर एक का एकदम लजीज, मतलब कि ये एक चीज़ खाओ तो मतलब कि हाँ इसका कुछ अलग, दूसरी चीज़ खाओ तो उसका टेस्ट अलग,
बहुत बेहतरीन है और मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा कि आपने मुझे दावत दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा, और फिर इंशाल्लाह आगे भी आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। अच्छा माशाल्लाह, फ्यूचर के कॉर्पोरेट है। अच्छा माशाल्लाह, अभी इनका अपना कॉर्पोरेट है, इंशाल्लाह फ्यूचर के कॉर्पोरेट है। माशाल्लाह, ये हमारे तो आपका आने का ये बहुत अच्छा, आप देख सकते हो वीडियो जो है आपने शुरुआत से देखा होगा कि किस तरीके से इन्होंने मेहनत करके, डेडिकेशन दे करके, एकदम क्लीन जो है इन्होंने एटमॉस्फेयर के साथ एक अच्छा ढाबा बनाया है। मुमरा और पनवेल के बिल्कुल बीच में है, टोल नाके के करीब है, और आप यहाँ पे आएंगे तो जहन रखना कि यहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस आपको और कहीं नहीं मिलेगा।